हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये ओडी कंपनी की गाड़ी है, Q3। इसका पिछला पहिया में पंचर है। चलिए इसको कैसे खोलते हैं वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 17 नंबर का टूल्स है। ये चारों नट पहले हम ढीला करेंगे और ये 5वां नट देता है कंपनी का। ओडी जो कंपनी है ना, इन चाहिए, इसी से हम चक्का खोलेंगे। 5वां नट इसको फंसा लेंगे पहले, इसको खोलेंगे। चलिए 5वां नट भी खुल चुका। अब चलिए इसमें जक लगाते हैं, ट्रॉली जक है। ये देखिए, ये हिड्रोलिक जक है, इससे हम जक से उठाएंगे टायर को। अब इसका जो 5वां नट है खोलेंगे पूरा। अब इसका पूरा नट खुल चुका है। अब टायर को हम बाहर निकालेंगे। निकल गया है टायर बाहर। देखिए, बत्ती पहले से भोंका हुआ है, यहीं से लीकेज कर रहा है। बत्ती भोंकने के कारण ये टायर फट चुका है। भोंक भोंक के बनाने से यही होता है कि टायर का नुकसान होता है। हमेशा जब भी पंचर बनाए तो अंदर से खोल के रिपेयर करवाए। चलिए, अब इसको हम अंदर से खोल के आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। ये ब्रिजस्टोन का टायर है और टायर का साइज है 2/35/50/18। चलिए इसको खोलते हैं पहले। चलिए, अब टायर का हम ब्रिज खोलने जा रहे हैं। एक तरफ का ब्रिज टूट चुका है, हम दूसरा तरफ का ब्रिज खोलेंगे। दोनों तरफ का ब्रिज टूट चुका है। चलिए, टायर को खोल दिखाते हैं। चलिए, लीवर से टायर को हम खोलने जा रहे हैं। इस तरह टायर खोलेंगे। पूरा टायर को हम बाहर निकालेंगे। टायर खुल चुका है। देखिए, ये बत्ती भोक भोक के टायर, बत्ती भोकने से क्या होता है, टायर खराब हो जाता है। चलिए, इसको पहले बत्ती को निकालेंगे और अंदर से रिपेयर करेंगे। पहले बत्ती निकालेंगे। ये ड्रिल मशीन है, टायर को हम घसेंगे पहले। अच्छे से ड्रिल मशीन से इसको घसेंगे, लगेंगे तो चारों पट्टी बढ़िया से। अब ड्रिल मशीन का काम खत्म। ये ओमनी कंपनी का सोल्यूशन है, इसको हम लगाने जा रहे हैं। सोल्यूशन पूरा लगाएंगे अच्छे से। ब्लैक स्टोन का पैच है, इसको हम साटने जा रहे हैं। अब इसको रोलर से हम लग रहे हैं अच्छे से। ऊपर का पोर्शन में टायर का बुरादा डालेंगे पहले। अब ऊपर से फेसबुक डालेंगे। चलिए, अब टायर को फिट करते हैं। लीवर से बैठाएंगे आसानी से, इजी तरीका से बैठाएंगे लीवर से। टायर बैठ चुका है, इसमें पिन कसने जा रहे हैं। इसमें हवा डालेंगे हम। 35 पॉइंट हम प्रेशर डाले हैं। चलिए, जब जहां हमने रिपेयर किया है उसको हम चेक करने जा रहे हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक है। चलिए, अभी तार को पहले बोल्ट कसेंगे।
पांचों बोल्ट होम फंसा लेंगे पहले। जब भी कसेंगे बोल्ट तो सामना सामनी कसेंगे, जब भी बोल्ट कसेंगे तो सामना सामनी कसेंगे। ये लास्ट वाला जो बोल्ट है इसको भी फंसा लेंगे, इसको ज्यादा जोर से नहीं कसिएगा, जो जो स्टार्ट नट है। अब हमने जग को गिरा लिया है, अब इसको फुल टाइट करेंगे पूरा। स्टार्ट वाला जो रिंच है इसको ज्यादा जोर से नहीं कसेंगे, धीरे से कसेंगे। टायर बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।